बैन अलावामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है और हमने जो ज्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम को वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी तहफ्फुज दे रहे हैं। आलमी मंडी में डेढ़ माह के दौरान पेट्रोल 112% महंगा हुआ, हमने तो सिर्फ 25% महंगा किया। अभी कीमत फरवरी के मुकाबले में 17 रुपए कम है। वजीर तवानाई उमर अयूब की वजाहतें, कहा नून लीग के दौर में एक महीने में 31% इजाफा किया गया। नदीम बाबर का पावर डिवीजन से कोई ताल्लुक नहीं, मुशीर पेट्रोलियम की पावर कंपनी को फायदा पहुँचाने के इल्जाम पर जवाब। अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें, पीटीआई एक नया रहनुमा चुन ले। जहाँ पर मईशत तबाह हाल है वहाँ पर आपने अवाम पर इतना बड़ा बोझ टैक्सों का डालकर पेट्रोल को अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया। इमरान खान अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें, नून लीग ने बड़ा मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते, पीटीआई को नया लीडर चुनने का मशवरा। शाहिद खाकान बोले आईनी तब्दीली के हक में है, गैर आईनी तब्दीली के हक में नहीं, यहाँ बहुत सी माफियाज हैं, नैब खुद भी एक माफिया है। एहसन इकबाल का कौमी सैनिया बना लिया, बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है लेकिन हम भी पीछे नहीं है, हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं। मुल्क रोल, किसान रोल, मजदूर रोल, नौजवान रोल, ताजर रोल, सरमायाकार रोल, मईशत रोल। जब आप एकदम से 25 रुपए पेट्रोल और डीजल में इजाफा कर देंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट तो किराया बढ़ाएंगे ना। गाड़ी जो है ना, जो ट्रिप लगाती है उसका कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए का फर्क पड़ गया है इस चीज़ में जो इन्होंने किराया बढ़ाया है डीजल, और 2 दिन से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, डीजल मिल भी नहीं रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर, लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। एसी बसों के किराए में 20, नॉन एसी के किरायों में 15% इजाफा। रिक्शा ड्राइवर्स बरहम, जौहर टाउन एक्सपो सेंटर के सामने एहतजाज, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नारे। पीपल्स पार्टी ने बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने की ठान ली। बिलावल भुट्टो के अपोजिशन रहनुमाओं से धड़ाधड़ रابطे, सरदार अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का बजट के मामले पर मुश्तरका मौकिफ अपनाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम दुश्मन बजट किसी सूरत नहीं मान सकते, वजीर आजम को अपनी नाअहली का हिसाब देना होगा। कितने दिन हो गए और हम लोग परेशान है, रोड के ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना, हम लोग पेट में खाना नहीं खाते, बिल भरते क्या करेंगे, गरीब लोग क्या करेंगे, भूख मरेंगे। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग, कई इलाकों में 16-16 घंटे बिजली गायब। लियारी, लियाकतबाद, जमशेद रोड या फिर मलीर, कोई इलाका लोड शेडिंग से महफूज नहीं। बंस रोड, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, एफबी एरिया में भी बिजली की आनिया जानिया। ऑनलाइन क्लासेस और घरों में बैठकर काम करने वाले परेशान। आइसोलेशन में बैठे कोरोना मरीजों का भी बुरा हाल। आज के बाद से इस तमाम एहतजाज को कराची शहर के चप्पे चप्पे में फैला दिया जाएगा और सिंध के शहरों शहरों तक फैला दिया जाएगा। सिंध असेंबली के सामने एमकेएम के धरने का तीसरा रोज, रहनुमाओं ने एहतजाज का दायरा सूबे भर में फैलाने का इंदिया दे दिया। कुंवर नवीद कहते हैं सूबाई हुकूमत शहरी इलाकों से टैक्स जमा करती है लेकिन शहरों पर पैसा खर्च करते हुए उनकी जान निकलती है। सूबाई बजट में कराची के लिए सिर्फ 11% मंजूर नहीं। जामिया कराची गर्ल्स हॉस्टल में गैर मुल्की खातून को हिरासा करने का मामला, वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड के बयान ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। कहा वाकये की सुबह मुतासरा खातून को हॉस्टल में रहने से मना किया था, सिक्योरिटी गार्ड ने हॉस्टल के गेट पर ताला भी लगा रखा था। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का कैसे दाखिल हुआ, कैसे फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम तक पहुँचा, कैसे फरार हुआ, तहकीकात जारी। साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन का सफर आखरत, नमाज जनाजा कराची में सेनेटर सिराजुल हक की इमामत में अदा की गई। सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, मुनव्वर हसन को सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और दौरे
इंग्लैंड के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम कल सुबह खसूसी तैयारी से बरतानिया रवाना होगी। पहला टेस्ट क्लियर करने वाले 18 खिलाड़ियों के दूसरे टेस्ट भी मनफी आ गए। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोहम्मद हफीज का दूसरा टेस्ट मनफी आया है।